अस्सलाम वालेकुम। ऐसी दीवानगी। औरतों को गाड़ी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, आए पूछते हैं लोगों से। नहीं चलानी चाहिए। नहीं चलानी चाहिए। चलानी चाहिए। चलानी चाहिए जी। नहीं चलाना चाहिए। नहीं चलानी चाहिए। कब कब टेलीकास्ट होगा ये प्रोग्राम? ये आंटी एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता लगेगा। और आंटी टमाटर वगैरह सब सही है? सही की क्या बात कर रहे हैं आप, ये सही है, इसको आप सही कहेंगे? औरतों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है, कितनी भी अगर मतलब वो माहिर क्यों ना हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं जो मर्दों में होता है ना। अगर चला सकते हैं चलाएं कोई इसमें, लेकिन मौलवी लोग शो करेंगे औरतें गाड़ी चला रही हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, तो ये सबसे बहुत बड़ा मसला है ये कि आपके यार ये हमारा मुल्क है, इसके बारे में ऐसा नहीं। सही बात है, ऐसा ही है, मर्द भी उस औरत के पीछे जाएगा जिसके पास पैसे होगा। औरत अगर गाड़ी में बैठती है ना, और अगर वो कपड़े ऐसे पहन ले सेक्सी, तो पीछे 90 गाड़ियां और लग जाती हैं मर्दों की। लग जाती हैं 90 गाड़ियां और भी लग जाती हैं। बट दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट, स्पेशली लड़कियों के लिए इट्स नॉट सेफ। कायदे आजम ने गलती करी है मुल्क बना के। कायदे आजम अभी जिंदा होते हैं तो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। खिला तो बोल रहा है हमें, परिंदों को भी दे रहा है, हमें भी दे रहा है, सबको दे रहा है, आपको भी दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, चूटी को भी दे रहा है। क्योंकि औरत का जो है मतलब गाड़ी चलाना सही भी है, लेकिन मसला ये कि मर्दों के लिए नुकसानदेह है ना। अब वो सेटिंग होती नहीं है, वो सेटिंग होने से पहले वो स्पीड बढ़ा लेती हैं। आजकल बच्चे भी तो सही नहीं हो रहे। बच्चे क्यों नहीं सही हो रहे? हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ये नजर नहीं है। मतलब अजीब अजीब चक्रों में लग गए ना। वो चक्रों में क्यों लगे? ये जो हाथ में जो स्क्रीन है ना, इसने खराब करा है, इसने खराब करा है। इस स्क्रीन में जो टिकटॉकर चल रहा है उसने खराब करा है। आजकल आप बुरखे देखें, सेक्सी बुरखे आ गए। मैं कहता हूँ पूछो मत, कि ऐसे लिबास पहनती हैं कि जो अल्लाह ही माफ करे। नहीं होगा, मुझसे ट्राई करो, करवा लो, ट्राई होगा कैमरे के सामने। ससुराल वाले अच्छे ढूंढते आजकल तो लोग, भाई लोग बोलते हैं ससुराल में जो जहेज के अंदर गाड़ी आएगी, बाइक आएगी। तूने पहली, अब एक मिनट, शाहरुख खान के फैन हो तो साथ साथ थोड़ी एक्टिंग भी होनी चाहिए, मजा तभी आता है। अभी अभी ऐसा लग रहा है कौमी तराना सुना रहा है कोई। टिकटॉक ने हमारा माशरा तबाह कर दिया है। तबाह नहीं करा, तबाह बर्बाद कर दिया है। आगे बोलिए आप, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मतलब नंबर देने में मुश्किल होती है। नंबर देने में क्या मतलब, बात ही नहीं होती सही से। वैसे ही काले जीशे हुए हैं। सेटिंग तो होने से इस उम्र में तो सेटिंग होती है। मतलब लोग यहाँ पे बहुत करप्टेड हैं। पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर हमारे। क्या अगर हम लोग इंडिया में रह रहे होते तो अच्छा था? आपको एक दिन में कितनी मुश्किलात सामने आती हैं? मैं क्या बयान करूँ, बस ये कह सकती हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसी दीवानगी, टाउन 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 टाउन, देखी नहीं कभी मैंने। If I was there, मुझे तो कोई और कंट्री वीजा है, मैं तो फॉरेन निकल जाऊँ। अच्छा कहीं से रिश्ता आता तो आप चली जाएंगी? हाँ, जिसका एक है वो भी मुश्किलात में, जिसके चार है वो भी मुश्किलात में। शोहर? शोहर नहीं, बच्चे। बच्चे बच्चे, हाँ ये तो है बच्चे। आपके भी बड़े अच्छे सवाल है, आपने भी कह दिया शो। आज का स्पॉन्सर है गाड़ी पार्ट्स। गाड़ी पार्ट्स है क्या, क्या काम करते हैं ये लोग? गाड़ी पार्ट जो है बेसिकली एक ऑनलाइन शॉप थी, एक्सपैंड होते होते वो B2B बिजनेस में आई। अच्छा। हम लोग होलसेल बिजनेस में आए, तकरीबन 300 प्लस काउंटर्स कराची में हम केटर कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जो है हम लोग की पार्ट्स की सप्लाई जा रही है, ऑयल की सप्लाई जा रही है। अगर कोई आपके पास ऑयल चेंज करवाने आता है तो कितना टाइम लगेगा? हार्डली 45 मिनट लगते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी का कंप्लीट इंस्पेक्शन भी हो जाता है, ऑयल चेंज भी हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर लिफ्टर हैं, कोई लेटने वाली कहानी नहीं है, गाड़ी के नीचे लेट के जो ऑयल चेंज कर रहे होते हैं इस तरह का कोई मामला नहीं है, प्रॉपर जैक स्टैंड्स हैं। एक तो नॉर्मल मैकेनिक है बाहर, सही है, वो लड़कियाँ वहाँ जाते हुए बहुत घबराती हैं। अच्छा ये मेरे साथ हो चुका है, इसी वजह से फिर मैं गाड़ी पार्ट्स पे स्विच किया था मैंने, क्योंकि उस वक्त तो कायदे आजम ने हमें हिंदुओं से दिलाई थी, आज मुसलमान मुसलमान से आजादी ले रहे हैं, जरा सोचिए धूप भरने का मुकाम है। अगर कायदे आजम आज के दौर में होते तो क्या कर रहे होते? खुदकुशी कर लेते। That's how it is. मतलब इतना बुरा दौर चल रहा है। Yes. आजकल के लड़कों ने अंकल लड़कियों का नाम चेंज कर दिया है। हाँ। कहते हैं मेरी बच्ची। हाँ 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 हाँ, ये होता है, ये जहेज में गाड़ी या बाइक आए ऐसा ही है। आजकल भी लड़के भी होशियार हो गए, वहीं शादी करेंगे जहाँ भी जहेज टाइट मिलता है। तो मजे है, वो बोलते हैं जानी तेरे पास कितनी बच्चियां हैं, मेरे पास चार हैं। हाँ, तेरे हाँ, पास तूने ये रखी। हाँ, रोल मॉडल बनाया हुआ है, ऐसे कभी किसी को पता नहीं चलेगा अभी। हाँ, क्या है? अगर जैसे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं वो अगर गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं, दोनों साथ आए। मीटिंग एरिया एक्चुअली बहुत अच्छा, इट्स रियली नाइस। मिनी पिकनिक हो सकती है यहाँ पे? मिनी पिकनिक करवा लें आप, जो करवा लें, बट इट्स
गुड प्लेस, इट्स अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन, फीमेल ड्राइवर्स। को सिर्फ बैठना है यहाँ पर, चाय एंजॉय करनी है और बैठना है। चाय एंजॉय और बैठें और अपना काम करवा के जाएं। बिल्कुल, गाड़ी का, गाड़ी का। अब DHA की लड़कियाँ वैसी बर्गर हैं, हर किसी के पास गाड़ी है, तो उनके लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन जगह है। एयर कंडीशन इनका रूम है, आराम से बैठ के वो अपना इंजन ऑयल चेंज करा सकते हैं। लोकेशन बताओ, लड़कियाँ बहुत आएंगी। ज़बरदस्त, ये तो अच्छा आपने बता दिया, आइडिया भी अच्छा दे दिया। लोकेशन हमारी है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन कराची, और मास्टर जूस हमारा एक बहुत ही मशहूर यहाँ पे जूस कॉर्नर है, उसके बिल्कुल सामने जो है हमारी ये आउटलेट है। इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। जानी ला अपनी बच्ची का नंबर करा। हाँ नंबर करा, कैसे? आपके दौर में था ये सब कुछ? नहीं, हमारे दौर में कुछ भी नहीं था। कायदे आजम अगर आज जिंदा होते तो क्या सोच रहे होते? नहीं, वो जिंदा होता ही नहीं, उन्हें अमरीका ने मरवा देना था, मरवा दिया अमरीका ने। कायदे आजम का था मॉडल फेस। हाँ थे दो बड़े आदमी, जो बात है। बहुत कड़क जॉ लाइन थी, जबरदस्त आदमी थे वो। अभी उनको हिचकियाँ आ रही होंगी, वो अलग बात, उनकी रूह भी हिल रही होगी, बड़ा याद कर रहे हैं इनको।